Hello everyone. Today we will start with our next lecture on economics for NT NET exam. So today our topic is indifference curve analysis, and this is an important topic because इससे questions आ जाते हैं paper में. So video start करने से पहले do subscribe to our channel so that you don't miss any of the updates. So start करते हैं आज का topic indifference curve analysis. तो जो indifference curve analysis है वो आता है ordinal approach के under. हमने last lecture में cardinal approach discuss किया था, तो आज हम ordinal approach discuss करेंगे. तो ordinal approach में क्या था कि हम जो है utility को measure नहीं कर सकते numerical terms में, but we can rank them. So here we can measure the utility in relative टर्म्स. ठीक है, उसके बाद आता है इनडिफरेंस कर्व. बेसिकली है क्या तो इनडिफरेंस कर्व हमें क्या दिखाता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कंज्यूमर को, तो वो होता है इनडिफरेंस कर्व. सेम डेफिनेशन इज मेंशनड हियर. इट रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी टू द कंज्यूमर. इनडिफरेंस का मीनिंग होता है नो डिफरेंस, ऑब्वियसली. तो वही है कि सारे कॉम्बिनेशंस जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे पर्सन को. अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है वो देख लेते हैं. ये एक हमें स्केड्यूल दे रखा है कि हम एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं और 10 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं. एक पॉइंट पर 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. तो अब इस डेटा को यूज करके हमने आईसी कर्व बनाया. तो जो ये डेटा है ये होता है आईसी स्केड्यूल, और जो ये कर्व आया वो होता है इंडिफरेंस कर्व. तो अब ये जो सारे पॉइंट्स है ए बी सी, ये सब इक्वल सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आईसी पर किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर की वो सेम रहेगी. तो चाहे वो पॉइंट ए हो, बी हो या सी हो. नेक्स्ट इज अजम्पशंस है इसकी कुछ. रैशनैलिटी मीन्स कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल माइंड यूज कर रहा है. ठीक है, मतलब कि वो सारे डिसीजंस अपने रैशनली लेगा. उसके बाद ऑर्डिनैलिटी. ऑर्डिनैलिटी मतलब इससे याद रखना ऑर्डर, मतलब कि हम इसमें रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बट मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को. नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कस होगा. इसमें बेसिकली यही है कि हम एक गुड को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे गुड के लिए. तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था पीछे एप्पल्स और ऑरेंजेस का, तो उसमें क्या था, सपोज करो अब यहाँ पर हम डिफरेंट डेटा लेंगे. पहले हम रेडी थे 7 एप्पल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक ऑरेंज के लिए, उसके बाद हम 6 को कर देंगे 2 के लिए, 5 को कर देंगे 3 के लिए. तो ये जो है हमारा रेट गिरता जा रहा है यहाँ पर एप्पल्स का, क्योंकि हम ज्यादा एप्पल नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे. ठीक है, तो दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बाकी और आगे ज्यादा डिटेल में है. उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी. तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, एक कंज्यूमर है उसे ए प्रोडक्ट जो है वो बी से ज्यादा पसंद है, तो वो अभी की बात है ये, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा. ये नहीं है कि अगर उसे आज ए पसंद है तो कल बी पसंद होगा, नहीं, वो कंसिस्टेंट रहेगा अपनी चॉइसेस में. और ट्रांसिटिविटी का क्या मतलब है, अगर ए बी से ज्यादा प्रेफरेबल है और बी सी से ज्यादा प्रेफरेबल है, दैट मीन्स ए इज मोर प्रेफरेबल देन सी. तो ये सारी अजम्पशंस है, यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है नीचे, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. इफ यू हैव एनी डाउट डू पोस्ट इट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. लास्ट इज नॉन स्टैटिएशन, मतलब कि एक कंज्यूमर है कभी भी संतुष्ट नहीं होता. तो यहाँ पर सेम चीज लिखी है कि अ कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ बंडल विच हैज अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब मोर इज बेटर. अब हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या शो करेगा, स्लोप ऑफ आईसी कर्व. तो अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, ये एक ऐसा रेट है जिस पर कि कंज्यूमर एक गुड को सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे गुड के लिए विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम भी सेम चीज शो कर रहे हैं, वो इतनी यूनिट्स रेडी है वाई की छोड़ने के लिए ताकि वो इतनी यूनिट्स एक्स की बढ़ा सके. तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा. सपोज यहाँ पर अब वो वाई के लिए इतना ही करना चाहेगा और एक्स बढ़ा दिया उसने, फिर वाई के लिए वो और कम करेगा तो एक्स, तो इन शॉर्ट ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है. तो अब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिमिनिशिंग भी. तो तीनों केसेस में इसके जो डायग्राम्स है वो अलग होंगे. कांस्टेंट में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अब ये जो है ये एमआरएस शो कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पर. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एमआरएस शो कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी एमआरएस शो कर रहा है. तो यहाँ पर ये छोटा है और नेक्स्ट वाला एमआरएस जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग है. डिमिनिशिंग के केस में क्या होगा, पहले एमआरएस ज्यादा था फिर कम हो गया. सो द सेम थिंग्स आर रिटन हियर कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट में जो है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंट होगा, और वो कौन से केस में पॉसिबल है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में. इंक्रीजिंग एमआरएस के केस में क्या होता है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉनकेव होता है. उसके बाद आता है डिमिनिशिंग.
डिमिनिशिंग में क्या होता है कि हम कम कम गुड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी एडिशनल यूनिट के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो यूजुअली क्या है, हमारा इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। अब रीजन आते हैं कि हमारा MRS डिमिनिश क्यों हो रहा है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS कन्फर्म्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स यूटिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं तो क्या हुआ, हमने एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब हम एप्पल की क्वांटिटी कम कर रहे हैं और ऑरेंजेस की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें ऑरेंजेस से यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑरेंजेस की क्वांटिटी हम और बढ़ाएंगे नहीं और एप्पल की और कम नहीं करेंगे। एक पॉइंट आता है जहां पर कि हम और ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने से अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ा पा रहे। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। क्यों, क्योंकि हम वाई को छोड़ रहे हैं और एक्स को और ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो लॉ है वो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री पर अप्लाई नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इनडिफरेंस कर्व की जो शेप थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। उसके बाद ये कॉन्वेक्स था पॉइंट पर, यूजुअली होता है कॉन्वेक्स। और क्यों होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद अगर कोई दो आईसी होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं। जो आईसी ऊपर होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। तो हमारे केस में जैसे ये आईसी टू है, ये आईसी वन है, तो आईसी टू जो है वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। उसके बाद जो आईसी कर्व्स है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेंगे और ना ही वाई एक्सिस को टच करेंगे। ऑल्सो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनडिफरेंस कर्व्स जो है वो पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक आईसी कर्व है तो दूसरा आईसी कर्व ऐसे हो सकता है। उसके बाद आता है, अब आईसी कर्व हमने देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल शेप्स हैं आईसी कर्व की। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और यू शेप भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए कांस्टेंट रेट पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो ये MRS है वो इक्वल आएगा हर जगह, और अगर ये इक्वल आएगा तो हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद आता है एल शेप्ड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में क्या होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को साथ में कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार। अगर कार है तो पेट्रोल तो खरीदना पड़ेगा, वरना कार चलेगी कैसे, राइट। तो इसीलिए जितनी कंजम्पशन हम कार की करें उतनी हमें पेट्रोल की भी करनी पड़ेगी, तो ये एल शेप्ड आ जाएगा। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल आईसी कर्व। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। एक नॉन स्मोकर है तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि कितनी सिगरेट अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर सिगरेट की अगर क्वांटिटी हम जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ गई यहाँ पे क्वांटिटी, तो इससे क्या हुआ कि हम सेम ही आईसी कर्व पर रहे। क्यों, क्योंकि नॉन स्मोकर के लिए सिगरेट का कोई काम ही नहीं है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगी चाहे सिगरेट की क्वांटिटी बढ़े या कम हो। तो अगर हमें अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, अगर हम बाकी गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाएं। सो हॉरिजॉन्टल आईसी कर्व भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आता है यू शेप्ड इनडिफरेंस कर्व। अब इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद गुड हमें नेगेटिव यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, ये जो पॉइंट है क्यू, इसके बाद जो ये आईसी कर्व अपवर्ड स्लोप हो रहा है ये हमें नेगेटिव यूटिलिटी शो कर रहा है। उसके बाद आता है बजट लाइन। तो सिंपल वर्ड्स में बजट लाइन क्या होता है, इट शोज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो इसके और भी नाम है, इसको हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी, और लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी। उसके अलावा अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलेगा कि हमारी जो इनकम है उससे हम कितना गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटीज को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इनकम लेवल देखेंगे कंज्यूमर की। उसके बाद बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो बजट लाइन की पहले हम शेप देख लेते हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज स्ट्रेट, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है इसका। और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो बजट लाइन है, सपोजली ये ए की बजट लाइन है और ये बी की। तो जो बी की बजट लाइन है ये क्या शो करेगा कि इसकी इनकम ए से ज्यादा है। तो जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम बढ़ेगी और प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली,
और वो हाई इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। अब बजट लाइन में जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन इनकम, तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन वुड शिफ्ट टू राइट, और अगर डिक्रीज होती है तो इट वुड शिफ्ट टू लेफ्ट। उसके बाद है चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ गुड, अगर दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो ही बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगी। तो अगर यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी रियल इनकम बढ़ रही है, तो अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा और ऑपोजिट केस में लेफ्ट वर्ड। नेक्स्ट है अगर सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो, तो सपोजिटली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एप्पल का प्राइस चेंज कर रहे हैं, अगर एप्पल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो हमारी उसके लिए कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हमारी इनकम तो सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट होगी। ऑरेंजेस के लिए सेम रहेगा क्योंकि हमने ऑरेंजेस की कंजम्पशन पे कोई भी चेंज नहीं किया है, और ऑपोजिट केस में ऐसे चेंज होगा। सो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो डायग्राम में शो किया गया है, इसको रीड कर लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देना। अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, तो ऑर्डिनल अप्रोच के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आकर मिलेगा, तो जहां पर हमारा स्लोप बजट लाइन का और आईसी कर्व का इक्वल होगा वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, बजट लाइन हो गई हमारी ये और आईसी कर्व हो गया ये, तो बजट लाइन शो कर रही है हमारी अफोर्डेबिलिटी को और आईसी कर्व शो कर रहा है हमारे सैटिस्फैक्शन लेवल को। तो जब हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल और अफोर्डेबिलिटी दोनों आपस में मीट होंगी तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने बजट लाइन ली है ए बी और यहाँ पर आईसी कर्व से डिफरेंट डिफरेंट, तो जो आईसी वन है यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा क्योंकि इट इज टेंजेंट टू बजट लाइन। जो आईसी टू है ये हम चाहते तो हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को इतना बढ़ाना, लेकिन हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो आईसी है वो हमारी लोअर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो हम क्यों ना करें। तो जहां पर भी आईसी कर्व बजट लाइन से टेंजेंट होगा वहां पर ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। उसके अलावा एक और चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो हमारा आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप्ड हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो स्लोप ऑफ आईसी कर्व है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल हो और जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स हो टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद आते हैं हम कंजम्पशन कर्व्स पर। अब कंजम्पशन कर्व दो टाइप के हैं, पहला है प्राइस कंजम्पशन कर्व और सेकेंड है इनकम कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व के अंडर हम क्या करेंगे, किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस को या तो हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और जो बाकी कमोडिटी है उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा और इनकम भी कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ पर प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एंड प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड इनकम इज ऑल्सो केप्ट कांस्टेंट। इनकम कंजम्पशन कर्व में क्या होता है, प्राइसेस आर केप्ट कांस्टेंट लेकिन इनकम में हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस कंजम्पशन कर्व की शेप कैसे आएगी। अब यहाँ पर हमने गुड एक्स ले लिया, गुड वाई ले लिया, अब यहाँ पर हम गुड एक्स के प्राइसेस में चेंजेस लाएंगे, गुड वाई के प्राइसेस को कांस्टेंट रखेंगे और इनकम भी कांस्टेंट रहेगी। तो जब गुड एक्स का प्राइस कम होता है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी और जो हमारी बजट लाइन है वो MN से MN1 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा नया आईसी कर्व मिल गया। ऐसे ही अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारी कंजम्पशन कम होगी तो हमारी सेटिस्फैक्शन आईसी 2 पर मिलेगी। तो जब हम सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा पीसीसी कर्व आ जाएगा। अब इसकी एक एक्सेप्शनल शेप है, दैट इज इट इज बैकवर्ड बेंडिंग। ये कब होता है, जब गिफ इन गुड का केस हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है गुड का वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो उसकी कंजम्पशन भी कम होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीसीसी कर्व और डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी। तो हम पीसीसी के स्लोप से पता कर सकते हैं कि हमारी डिमांड इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। तो यहाँ पर ये पीपीसी नहीं है, यहाँ पीसीसी है हर जगह। तो अब क्या है कि अगर पीसीसी जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो डिमांड हमारी इन इलास्टिक होगी। कैसे, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। सपोज ये हमारी बजट लाइन है ए बी, ठीक है, और यहाँ पर हमारी है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और यहाँ पर है हमारे पास जो मनी अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए। तो हमने अज्यूम किया कि प्राइस ऑफ एक्स गिर गया तो उसकी वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो इस शेप की आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा पहले आईसी कर्व था जो इनिशियल था आईसी वन, अब हम शिफ्ट हो गए आईसी टू पर क्योंकि हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो गया और वो यहाँ टेंजेंट है।
सपोज करो कि x का प्राइस और फर्दर गिर जाता है तो हमारी बजट लाइन कैसे हो जाएगी, तो IC कर्व और शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इन सब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें PCC कर्व मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा PCC कर्व, राइट। तो अब इससे क्या हमें पता लग रहा है, स्टार्टिंग में हमारी इनिशियली क्वांटिटी जो थी वो कितनी थी, OX1, उसके बाद हमारी क्वांटिटी थी OX2 और उसके बाद हमारी क्वांटिटी थी OX3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारी जो इनकम है जो बाकी गुड्स पर हम स्पेंड कर रहे थे स्टार्टिंग में वो OY थी, उसके बाद OY1 और OY2। तो X के लिए जो क्वांटिटी बची स्टार्टिंग में वो थी जो हमने गुड X पर स्पेंड करी थी AY, राइट। उसके बाद वो हुई AY1 और फिर AY2। तो इन शॉर्ट AY से AY2 पर हमारी जो है मनी स्पेंड आ गया फॉर गुड X। तो यहाँ पर हमारा मनी स्पेंड जो है वो डिक्रीज हो गया, पहले AY था अब AY2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर मनी स्पेंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सो एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस एज प्राइस फॉल्स। तो ये क्या कंडीशन होती है, ये हमारी इन इलास्टिसिटी की कंडीशन होती है। तो ऐसे ही बाकी दोनों भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से एक्सप्लेनेशन जो है ये ग्राफिकल दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आए। तो हमें बेसिकली इसमें बस यही याद रखना है कि जब पीसीसी अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा, जब पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा तब हमारा डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक होगा, और जब पीसीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तब हमारा डिमांड कर्व इलास्टिक होगा। उसके बाद आते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व पर। इनकम कंजम्पशन कर्व में हमने क्या किया था कि इनकम को चेंज करेंगे और बाकी प्राइसेस को सेम रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे बजट लाइन शिफ्ट हो रही है और हमें ICC कर्व डिराइव कर लिया है डिफरेंट पॉइंट ऑफ IC कर्व से। तो ये जो केस है ये नॉर्मल गुड्स केस में होता है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। क्यों, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो इसलिए इट इज बैकवर्ड बेंडिंग। लास्ट हमारा आता है एंजल्स कर्व। एंजल्स कर्व क्या करेगा, ये जो है रिलेशनशिप शो करता है हमारी इनकम लेवल में और कितने हमने गुड्स की क्वांटिटी परचेज करी है। तो इसमें एंजल्स कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेवल ऑफ इनकम फर्स्ट थिंग एंड सेकंड क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ ईच गुड्स, ठीक है ये याद रखना है। उसके बाद इसकी शेप कैसी है, नॉर्मल गुड्स के लिए इट इज अपवर्ड स्लोपिंग क्योंकि ICC भी अपवर्ड स्लोपिंग था, इन्फीरियर गुड्स के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि हमारा ICC जो था वो बैकवर्ड बेंडिंग था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो अपडेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।